इंटरव्यू में जैसे यहाँ सर्बिया आए हो तो इंग्लिश में बात हो तो हुआ था? हाँ, वो जो इंटरव्यू हुआ था ना ऑफिस में, तो हाँ, उन्होंने आपको कितने दिनों से नॉलेज था कि वीज़ा ऐसे अप्लाई किया जाता है और ऐसे अप्लाई करके हम लोग जा सकते हैं? हम तो इसके पहले सऊदी में थे, अच्छा, सऊदी आप रिटर्नर हो, में 8 साल इसमें काम कोई है किए। जो फ्रेशर है? अच्छा, तो यार तुम कैसे चिपक गए? यही एक चीज और बताइए, आपका एज पासपोर्ट पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों मैं हूँ अभी सर्बिया में और यहाँ पर जॉब करता हूँ। तो अभी आया था यहाँ पर तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मिले मुझसे और इनसे कांटेक्ट हुआ, 1 हफ्ता हो गए, कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पर कि शहजाद भाई आकर के मिलिए, आप जहाँ पर हो करेल जेव में तो हम भी यहीं पर हैं। तो आज संडे है तो आया हूँ इनसे मुलाकात करने के लिए। और एक बात इसमें ये है कि भाई एक जो बंदा आया हुआ है ना उसका एज बहुत कम है, पता नहीं कैसे ये सर्बिया आ गए, ठीक है? तो उनसे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे कि भाई वो कैसे आए, इसलिए कि आप लोग बोलते हो ना कि भाई शहजाद भाई हमारा ये जितना है हम क्या विदेश जा सकते हैं, तो आज रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है? तो बैक कैमरा ऑन करता हूँ और इन लोगों से आपको मिलाता हूँ। आप लोग टोटल कितने आदमी हो? 6 आदमी। हम लोग 6 आदमी। कितना दिन हो गया आए हुए आपको? 1 महीना 10 दिन हो गया। 1 महीना 10 दिन हो गया, ठीक है। और आपका नाम? नसरुद्दीन अंसारी। घर? सिवान है। अच्छा, सिवान। आपका? दिग्विजय तिवारी। घर? देवरिया। देवरिया। आपका? मोहम्मद सलामुद्दीन। हाँ, मीरगंज। और ये मेरे रिश्तेदार हैं, देखिए हम लोग यानी समझ लो एकदम खास रिश्तेदार हैं। मैं इनके मामू का लड़का हूँ और फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं, बताइए। ये भी सर्बिया में आकर के ये एक मेरिट है। आपका नाम? जगदीश शर्मा। घर? कुशीनगर। कुशीनगर। आपका? अंकित। कौन सी जगह? गाजियाबाद, मुरादनगर। मुरादनगर, गाजियाबाद, यूपी। आपका? सुरेंद्र राम, जिला सिवान। सिवान, देखो भाई ये सिवान के बंदे हैं और ये सबसे कम एज में आए हैं, रिकॉर्ड बना दिए हैं एकदम। हाँ, तो आप लोग जो आए हुए हो कितना दिन हो गया आए हुए? 1 महीना 10 दिन हो गया। 1 महीना 10 दिन। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि सर्बिया में आकर कैसा लग रहा है? सर्बिया में हमका ठीक लगा, लेकिन थोड़ा ठंडा मौसम था। हाँ, अभी तो सही है, धूप निकल रहा है। हाँ, लेकिन सर्बिया मतलब जगह घूमने लायक है, जबरदस्त है, जबरदस्त। तो ऐसा है कि भाई ठंडी में जब आया था ना तो मैं भी बहुत मजा आया ठंडी में, लेकिन जब यहाँ पर 1-1.5 महीना रह गया तो एकदम बोर हो गया था कि भाई कहाँ आकर फंस गया, लेकिन अभी लग रहा है कि भाई घूमने लायक जगह है। हाँ, यानी समझिए कि जैकेट वगैरह निकला हुआ है जो कि घूमने में बहुत ही मजा आ रहा है। तो ये लोग जो आए हुए हैं, आप लोग मुझे कब से जानते हैं? आपसे तो मतलब 2 हफ्ते जानते हैं। नहीं नहीं, इंडिया वीडियो देखते हैं। 2 साल से देख रहे हो तो अच्छा, ये बताओ कि कुछ वीडियो से आप लोगों को फायदा वायदा मिला? वीडियो देख के तो हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, ये नहीं, मेरे ही वीडियो देख करके आप लोग गए थे? देखो दोस्तों, मैं किसी भी ट्रेवल एजेंसी को प्रमोट नहीं करता, ना ही वो मुझे कुछ पैसे वैसे देते, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो इन लोगों आप लोगों को जॉब नहीं बताए? वेल्डर सब लोग हैं, सारे आदमी, ठीक है। तो ये जितने भी आए हुए हैं सब वेल्डर हैं, तो इनसे वेल्डर के बारे में इंटरव्यू लेंगे, तो उनमें इनका सैलरी और जो भी है पूछा जाएगा और इनसे जो एक्सपीरियंस भाई जो भी है ना, काफ़ी जगह काम किए हैं, जैसे गल्फ में भी काम किए हैं आप और भी जगह, यानी इनके पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वो इंटरव्यू में हम पूछ लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ आया था मार्केट तो ये लोग भी आए और मुलाकात हुआ और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कम से कम सर्बिया में आकर हमारे इंडियन भाई हमसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे आप कहना चाहते हो कि जो लोग अगर सर्बिया में आना चाहते हैं जॉब के लिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जो सर्विस चार्ज है वो कम दो और सैलरी जितना अच्छा हो सके उतना दो, ठीक है। इसलिए कि सैलरी अगर कम रहेगा तो इधर आने से फायदा नहीं होगा ना। कितना सैलरी होना चाहिए एक टेक्निकल? 5-6 हज़ार तो भेजने में लग जाता पैसा। नहीं नहीं, मैं बता दूंगा, उसका तोड़ निकाल दिया हूँ, कुछ नहीं लगेगा आपका, ठीक है। अभी मैं उसका भी तोड़ निकाल दिया हूँ भाई, अभी समझ लो कि मैं अपने कंपनी में जो 1500 रुपये एक आदमी का सर्विस चार्ज ज़्यादा लगता था, अभी 1 भी रुपये नहीं लग रहा है पैसे भेजने का। तो समझ लो कि अगर 100 आदमी का बचाया तो कितना 1.5 लाख रुपये प्रति महीना बच गया, यानी एक उसका मेथड निकाला हूँ, एप्लीकेशन ही है लेकिन थर्ड पार्टी है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन पैसा धनाधन UPI से जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उससे भेजना एकदम सही है, ठीक है। जितने भी मेरे भाई हैं वो UP बिहार से हैं, खासतौर से कुछ ज़्यादा आदमी मेरे ज़िले से हैं यानी सिवान ज़िला से,
ठीक है। और ये हमारे दोस्त यूपी से हैं तो थोड़ा सा दूर है, यानी यूपी से तीन आदमी है, हाँ, लेकिन ये ज्यादा दिल्ली तक पहुंच गए हैं ना, बाकी आप लोग कुशीनगर कोई ज्यादा दूर नहीं है अभी, ठीक है। इसको पकड़ने वाली बात है, आप पहले ये बताओ कि आपका रियल एज से मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं, आपके पासपोर्ट पर एज कितना है? मेरे पासपोर्ट पे 21 है। 21 में आप सर्बिया गए, कितना एक्सपीरियंस था आपके पास? एक्सपीरियंस मेरे पास 22 साल का। नहीं, 22 साल का इसका 21 3 साल का एक्सपीरियंस था। 3 साल का एक्सपीरियंस है, यानी 18 और 3 साल का एक्सपीरियंस आपने शो किया था, ठीक है। तो आपका वेल्डर का जॉब है ना? वेल्डर का जॉब है। तो इंटरव्यू में जैसे यहाँ सर्बिया आए हो तो इंग्लिश में बात हो तो हुआ था? हाँ, वो जो इंटरव्यू हुआ था ना ऑफिस में, तो उन्होंने इंग्लिश में लिया था इंटरव्यू। इंग्लिश में तो आपको अच्छे से मालूम है कि काम चलाने लायक भी मालूम है तो हो जाएगा? काम चलाने लायक मालूम है तो हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई जब तक मुझे अच्छा सा इंग्लिश नहीं मालूम रहेगा तब तक हम विदेश नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मैं बोलता हूँ आपसे कि घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलोगे तभी होगा। इन्होंने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद इंटरव्यू दिए, मेडिकल कराए, वीज़ा आया, पैसे दिए, तब जा करके यहाँ आए हैं। और जो बैठ कर सोचेंगे तो नहीं ना होगा। कहने का मतलब देखो, मेन बात अपना हुनर, हुनर हो आदमी के पास तो कभी भी जा सकता है, कोई सी भी समय में जा सकता है, लेकिन हुनर होना चाहिए आदमी के पास। आपको कितने दिनों से नॉलेज था कि वीज़ा ऐसे अप्लाई किया जाता है और ऐसे अप्लाई करके हम लोग जा सकते हैं? हम तो इसके पहले सऊदी में। अच्छा, आप रिटर्नर सऊदी में? इसमें कोई है जो फ्रेशर है? अच्छा, तो यार तुम कैसे चिपक गए? कोई मेरा फ्रेश था, फर्स्ट चक्कर मेरा यूरोप का हुआ। हाँ, फर्स्ट चक्कर यूरोप का हुआ है। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे नॉलेज था वीज़ा अप्लाई करने का? मैं मतलब दिल्ली में काम करता था मैं, हाँ। तो मेरे को यही सब देखता था, जिस तरह यूट्यूब पे वीडियो, जैसे मेरा वीडियो आपने देखा, आपका वीडियो में आपका फॉलोअर्स। अच्छा, उसके बाद वहीं पहुंच गए, वहीं से लग साथ दिया, आ गए। चलिए भाई, इनका बात कंटिन्यू करते हैं। ये बताइए कि सऊदी में जो काम किए थे, कितने साल काम किए? 8 साल काम किए, उसके बाद यहाँ आए और कहीं नहीं? नहीं। अच्छा, तो 8 साल काम किए, तो वहाँ पर जो सैलरी था वो सही था कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिला है। ठीक है भाई, कम से कम ये तो है ना कि भाई नॉलेज की वजह से आपका जो सैलरी है वो सही मिला, नहीं तो काफ़ी लोग बहुत कम सैलरी में आ रहे हैं। अभी इनसे जो इंटरव्यू लेंगे इनके काम के बारे में, जैसे ये लोग वेल्डर हैं तो बहुत से ऐसे मेरे वेल्डर कमेंट्स किए थे कि शहजाद भाई थोड़ा बताइएगा कि काम किस टाइप का होता है, तो इनसे पूछेंगे, तो ये लोग भाई बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, तो ये बताएंगे। इसलिए कि देखो भाई, मैं नहीं बता सकता, मेरा जो काम है मैं उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, इनका जो काम है ये अच्छे से बताएंगे। तो इसलिए मैं काफ़ी दिनों से रुका था कि भाई इस पे वीडियो कभी कोई मिलेगा तो बनाएंगे। ठीक है, आपका नाम जगदीश शर्मा है ना, और यूपी के कुशीनगर से? तो कुशीनगर वाले हमारे भाई से क्या कहना चाहोगे? बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोग। कुशीनगर भाई से मैं ये बोलना चाहूँ, मेहनत करना चाहिए, अपने मेहनत में लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, और मन से अपना काम करना चाहिए, इधर उधर फालतू बातें ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपका एज पासपोर्ट पे कितना है? मेरा एज चल रहा है 45 चल रहा है। अच्छा, मैं इसलिए कि कल भी कोई कमेंट्स किया था कि भाई मेरा 45 साल हो गया, क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? तो 45 के बाद ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये 45 है। अब आपको ये कंपनी मिल गया है तो कोशिश करना कि 4-5 साल कमा लेना, नहीं तो छोड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्या था, 46 तक का दिया था, ऑफर की 46 तक, 46 तक एज लिमिट था, तो इसे इसी में मेरा चांस है 46 में तो मेरा लग जाएगा, तो मैंने कोशिश किया, इसमें लग गया। उससे पहले मैं कोशिश कर रहा था, उसे 45 से 44 तक ही लेता था लोग, उसे ज़्यादा तक नहीं लेता था लोग, इसलिए मैं इसमें देखे कि उस ऑफर है 46 तक, तो मैंने 46 तक इसमें लगा दिया। नगर गाजियाबाद से हूँ, और काफ़ी अच्छी सिटी है ये, जॉब भी हमारी ठीक ही है, पर थोड़ा डिफरेंट है कि हम जिस जॉब के लिए आए थे वेल्डर, आर्क वेल्डर के लिए आए थे, बट हम अभी मिग वेल्डिंग कर रहे हैं। मिग वेल्डिंग, तो वो काम आपको मालूम है? हाँ, वो मालूम है हमें थोड़ा बहुत, इसलिए। अच्छा अच्छा, खैर उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, वो भी डिटेल्स मिलेगा। फिलहाल ये दोस्तों था वीडियो हमारे सब्सक्राइबर का, जो कि यहाँ आकर मिले, और ये भाई बोल रहा है कि हम सोचे नहीं थे कि शहजाद भाई से जाकर के सर्बिया में मुलाकात हुआ। लक अच्छा है कि भाई हम लोग इधर करेल जेओ में है कि हम लोग मिल गए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इन दोस्तों को एक्सपीरियंस के ऊपर, जो ये जॉब करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हर बार की तरह मैं कहता हूँ, सुनो सब की।
करो अपने मन की। नहीं यार दिल की यार।